आयत खाने और रास्ते में तुम हर वक्त नमाजें और दुआएं पढ़ते रहे। क्या तुम्हारे मौला ने कहा कि असारत की जंजीरों में भी नमाज पढ़ते रहो? नमाज पढ़ो ताकि असारत से निजात पाओ, यह है मेरे मौला की तालीम। लेकिन तुम्हारा वो मौला मोहम्मद जो अपने आप को पैगंबर समझता है, क्या तुम डर रहे हो मुझसे? ये आंसू मेरे मौला के दीदार के शौक में तड़प उठे हैं, डर से नहीं। क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? नहीं। क्या वो वाकई पैगंबरे खुदा है? मेरे चचा उस समय करनी आमूल फील में गंदुम जौ लेकर यसरिब गए थे। उन्होंने कहा एक रात एक बुजुर्ग यहूदी आलिम छत के ऊपर गया और जोरों से चिल्लाने लगा कि खुदा की कसम आखिरी पैगंबर का सितारा तुलू हो चुका है, मोहम्मद पैदा हो गए हैं। उसने आखिरी पैगंबर के जहूर की निशानियों को तौरात में पढ़ा था। अगर यहूदी कहते हैं कि पैगंबर है तो पैगंबर हो गए। तुम ईरानी हो? अपने औकात में रहो। तुम परवरदिगार के नुमाइंदे से पूछताछ करते हो? मेरे आका मोहम्मद के विलादत पर क्या तुमने ईरान के महल की चीख नहीं सुनी थी? मोहम्मद ने कहा है कि खुसरो व खुसरवान परवेज शाह ईरान का कत्ल हो गया है। अगर मोहम्मद पैगंबर है और गैब की बातें जानता है तो कहां है ईरानी कासिद जो कत्ल की खबर लाए? आ रहे हैं। ना आए हैं और ना ही आएंगे। अगर कासिद तुम्हारे खुसरू के कत्ल की खबर लेकर नहीं आया तो वो खुदा का रसूल नहीं है, क्योंकि अंबिया कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन अगर आ गया तो वो खुदा के रसूल है जो गैब से आगाह है। बड़ी ही संजीदा शर्त है, मुझे मंजूर है, लेकिन नहीं आएगा। हारिस, तुम गवाह रहना। अगर ईरानी कासिद शाह ईरान खुसरू परवेज के कत्ल की खबर लेकर आए तो ये शख्स आजाद है, लेकिन अगर नहीं आए तो मुनादी तुम्हारे कत्ल की खबर का ढिंढोरा पीटेंगे। ना आज शाम, ना ही कल सुबह, ना कल शाम, ना परसों, और ना ही उसके बाद कोई कासिद आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ना सवारी, ना कासिद, और ना ही
शाह ईरान खुसरो परवेज के कत्ल की कोई खबर। आ रहे हैं, नहीं सुन रहे हो? बताओ कौन हो तुम लोग? तुम काला लिबास क्यों पहन रखा है? गुज़िश्ता हफ्ते बरोज़े मंगल। मंगल को क्या? मारा गया खुसरो परवेज शाह-ए-ईरान, कत्ल हो गए। अपने ही बेटे शिरवे के हाथों। भरोसे मंगल, बस चमादी उलूला जैसा कि मोहम्मद ने कहा था। ये शख्स कौन है? चरवाहा। और मोहम्मद? जो भी हो गैब से आगाह है। और पैगंबर खुदा होते हैं वो जो गैब से बाखबर हैं। और ये शख्स? आजाद है। दूसरे कैदी? सभी आजाद हैं। सारे लोगों को दिरहम और दीनार से नवाजो और सभी बच्चों को नए लिबास दो। हम शिरवे के जुल्म से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या करें अपने परवरदिगार खुसरो के बगैर? ईरान के कितने ही बादशाह मौत की आगोश में चले गए, लेकिन ईरान जिंदा है। ले लो, ताजा नान है, और ले लो, ले लो। शुक्रिया। ठीक है, हाँ, ले बस ले काफी, ले। है। काफी है, सिर्फ एक ही लिया? नहीं नहीं काफी है। ओवेस,
मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सेहरा जा रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर तुम भूख से मर जाओगे तो मेरे इस गधे का क्या होगा, और ये मर जाएगा तो मेरा क्या होगा। परेशान मत हो, खुदा हमारे साथ है। जाओ, खुदा हाफिज। सलीम, मेरी माँ। मैंने तुमसे ये पहले भी तो कहा था कि ओवेस तुम्हारी माँ मेरी और सलमा की भी तो माँ है। ओवेस, रुक जाओ, मत जाओ। मत जाओ ओवेस। बूढ़े जुबेर के पास माले दुनिया में सिर्फ यही एक गधा है, सहराओं में इसकी हिफाजत करना, इस पर सवार मत होना, ठीक है? गधा बूढ़ा हो चुका है और मेरी तरह कमजोर भी। बेचारे जानवर की हिफाजत करना, कहीं मर ना जाए, इस पर सवार ना होना, इसमें इतनी ताकत नहीं है। अरे मैं ये तो भूल ही गया, यसरीब में ऊद अंबर अच्छे मिलते हैं ओवेस, इस बूढ़े जुबेर के लिए वहाँ से तोहफा जरूर लाना। मेरा सलाम मोहम्मद को, मतलब रसूल खुदा को पहुँचाना, और कहना मेरे रिज़्क़ व रोजी की दुआ करे, और कहना कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे भी जन्नत ले जाए जिसका वादा किया है। क्या बाबा, एक बूढ़ा गधा दिया है और बदले में इतनी हाजतें मांग ली। उनको जितनी भी चीजें लाकर दो, उनके लिए तो हमेशा कम ही लगती रहती है। कहाँ जा रहे हो ओवेस, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुमने नहीं कहा था कि मोहम्मद रहमत और इंसाफ के पैगंबर हैं? काश तुम भी उन्हीं की तरह होते। ये ना इंसाफी है ओवेस, ना इंसाफी है। क्या ये बेरहमी नहीं कि सलमा को तन्हा छोड़कर जा रहे हो? क्या ये बेरहमी नहीं कि सलमा पर रहम नहीं किया? किस तरह तुमने सलमा की मोहब्बत को नजरअंदाज कर दिया? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम कैसे सलमा के इश्क को देखे बगैर चले गए? लेकिन क्या सलमा ओवेस के रसूल खुदा के इश्क की शिद्दत को जानती हो? सलीम, क्या वो वापस आएंगे? यसरिब से तो आएंगे, लेकिन रसूल खुदा के इश्क से नहीं।
कहाँ से हो? यमन से। मुसलमान हो? मैं तो अपने बाप मुखैरिक के दीन पर हूँ। वो तन्हा यहूदी थे जो जंगे उहद में मोहम्मद के साथ थे और शहीद हो गए। उन्होंने तौरेत में से हजरत मसीह और मोहम्मद के जहूर की निशानियों को पढ़ रखा था। पैगंबर ने मेरे वालिद के लिए फरमाया, मुखैरिक यहूदियों में से बेहतरीन था। अगर यहूदी तौरेत को और ईसाई एंजील को जमाने की दखल अंदाजियों और मफाद परस्त आलिमों की तहरीफ से बचाए होते और उस पर गौर करते तो वो सब आज रसूल खुदा की पैरवी में पेश कदम होते। बातों से लग रहा है कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारी बातें मेरे दोस्त अमर से कितनी मिलती जुलती हैं। कबीले औस में से था। पूरी जिंदगी में एक भी रकत नमाज पढ़े बगैर उसने जन्नत हासिल कर ली। बगैर नमाज पढ़े? अभी इस्लाम नहीं लाया था कि ओहद की जंग छिड़ गई। बस जिरह तन पर एक हाथ में तलवार दूसरे में ढाल बहादुर शह सवार तो था ही। मैदान जंग में आया और मोहम्मद के दुश्मनों का खूब सफाया किया और आखिर वो भी खुद मारा गया। जब रसूल खुदा ने उसके कारनामों को सुना फरमाने लगे, अम्र बहश्तियों में से है। चल बस अब पहुंचने ही वाले हैं। मस्जिद उन नबी यहीं पास में ही है। मुश्किल है इस वक्त वो मस्जिद में होंगे। बहरहाल कहीं भी हो इब्ने उमेर को जरूर पता होगा। ओहो संभाल के रास्ता दो। जरा किनारे हो जाओ, थोड़ा किनारे हो जाओ। चलो 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 चल चलो।
ये देखो मस्जिदुन नबी तुम्हारे सामने है। इब्ने उमर, मोहम्मद मस्जिद में है या नखलिस्तानों में? कहीं नहीं, बयाबानों में पनाह गुजीर मक्कियों के हाल चाल मालूम करने तशरीफ ले गए हैं। در قفایم عشق است رو برویم و تا